सो गाइस वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्ज में। सो गाइस आज को हम बात करने वाले हैं कि गाइस अगर आप यहां पे आईपीपी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में अपना अकाउंट खुलाए हैं, गाइस आप अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवाए हैं, तो गाइस आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम आप कैसे चलाएंगे, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम आप कैसे यूज करेंगे। क्योंकि गाइस बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका एज कम है, 18 साल से कम है, उनके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में उनका अकाउंट ओपन है लेकिन वो फ़ोनपे गूगल पे चलाना चाहते हैं, वो पता नहीं है कि अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से गूगल पे फोन पे कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको सब कुछ लाइव करके बताने वाले हैं कि गाइस अगर आपके पास अकाउंट है, मतलब आईपीपी बैंक का अकाउंट है, तो आप कैसे गूगल पे फोन पे को चलाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप इंडिया पोस्ट में अपना फोन पे गूगल पे आप कैसे चलाएंगे, कैसे यूज करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आपको गूगल पे फोन पे पेटीएम चलाने के लिए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने फोन पे एप्लीकेशन या गूगल पे एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करना है। तो हम फोन पे एप्लीकेशन को यूज करेंगे, तो आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को इस तरीके से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां से अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा अपना मोबाइल नंबर को आपको यहां पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में सब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। गाइस यहां पे इस तरीके से ऑप्शन लिखेगा, यहां पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो यहां पे कह रहा है यहां पे इंटर यहाँ पे 5 डिजिट ओपीटी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो गाइस कह रहा है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 5 डिजिट ओपीटी सेंड कर दिया गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस ओटीपी को आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। अगर सिम कार्ड आपके यहाँ पे लगा है आपके फोन में तो आपको जो ओपीटी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। जब गाइस आपका ओपीटी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा तो अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने इंडिया पोस्ट उसमें लिंक करना है, ऐड करना है। तो आप कैसे लिंक करेंगे, कैसे ऐड करेंगे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिंपली यहाँ पे बैंक बैलेंस क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे यूपीआई अकाउंट का ऑप्शन होगा, सिंपली आपको अकाउंट ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में सब आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे बैंक का लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको टाइप करना पड़ेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जैसे आप ऐसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्लिक करके आप टाइप कर देंगे, उसके बाद में सब आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे। तो आप जैसे इंडिया पोस्ट बैंक पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपको जो बैंक अकाउंट है आपके फोन पे या गूगल पे एप्लीकेशन में पेटीएम एप्लीकेशन में इस तरीके से सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा, सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो फाइनली गाइस मेरा जो बैंक अकाउंट है इसमें सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। यहाँ पे फाइंड योर लिंक बैंक अकाउंट इस तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पे ऑप्शन लिख करके आ रहा है। तो आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, मैसेज भी आ चुका है। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है सक्सेसफुली लिंक हो चुका है, यहाँ पे तक गाइस यहाँ पे लिंक हो चुका है अकाउंट सक्सेसफुली एडेड। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जब आपका बैंक अकाउंट इसमें सक्सेसफुली इस तरीके से लिंक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो गाइस अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। गाइस यहाँ पे कह रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और गाइस यहाँ पे आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एटीएम और डेबिट कार्ड नंबर है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है गाइस आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जहाँ पे एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नंबर है तो आपको अपने एटीएम और डेबिट कार्ड नंबर को आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट को आपको डाल देना है। सो गाइस अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है, अगर आपको नहीं पता कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से एटीएम कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं, एटीएम कार्ड कैसे मिलता है आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन से, या आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपका खाता खुला है तो आपको एटीएम और डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा, तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वहां से देख करके आप अपने एटीएम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो हमसे क्या करेंगे अपना एटीएम कार्ड नंबर डाल कर हम ऑलरेडी यूपीआई पिन को बना लिया। बनाने के बाद में अब आपको सिंपली यहां पे अकाउंट एडेड सक्सेसफुली हो चुका है, अब आपको सिंपली डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने इस तरीके से आपको जो बैंक अकाउंट इसमें ऐड हो चुका है, लिंक हो चुका है। अब गाइस जब आपका फोन पे एप्लीकेशन से आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आप अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और बैलेंस भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम आपको बैलेंस चेक करके आपको दिखाने वाले, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपना यूपीआई पिन आपको डाल देना, जो यूपीआई पिन आप क्रिएट करेंगे बनाएंगे अपने यूपीआई पिन को आपको यहां पे डाल देना। यूपीआई पिन डालने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको टिक वाले बटन पे क्लिक करना है। टिक वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में अब आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे अकाउंट में यहाँ पे 1291 रुपए है, तो इस तरीके से शो हो चुका है। सो इस तरीके से गाइस आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन से गाइस आप अपने गूगल पे पेटीएम फोन पे एप्लीकेशन को इजीली चला सकते, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सो गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।